आपको सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने एक शानदार ऐलान किया है। जैसे दिल्ली में बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, ऐसे ही 1 जुलाई से पंजाब में भी पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने चालू होगी। पंजाब के लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, सुबह से जब से मान साहब ने ऐलान किया है मेरे पास इतने फ़ोन आ चुके हैं लोगों के कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब हमने गारंटी दी थी चुनाव के दौरान कि हम बिजली फ्री करेंगे, सारी पार्टियां कहती थी अरे खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये हो नहीं सकता, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखो हमने करके दिखा दिया। हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमने 1 ही महीना हुआ है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम 1-1 करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। ये पार्टियाँ पूरी तरह से पंजाब को लूट के जा चुकी हैं, खजाना बिल्कुल खाली था। लेकिन मैंने कहा था कि नीयत की ज़रूरत है, अच्छी नीयत की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मान साहब ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, हम ईमानदार सरकार देंगे। और देखो 1 ही महीने के अंदर हमने पाई पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। हम पैसे नहीं खाते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। जब नई नई सरकार बनी पंजाब में, ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जिन जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे MLAs को, पार्टी के लोगों को कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया। और देखो 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ, उनको उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।